नमस्कार, मैं इस समय मरिया हूँ 370 विधानसभा के भांडू गांव में मौजूद हूँ, जहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाह रहे हैं कि 2022 का चुनाव आ रहा है, उसमें किसकी सरकार बनाएंगे, किसके साथ में रहेंगे। भाई शुरू करते हैं। चाची आपका नाम क्या है? अभी जो चुनाव आवास है, आप किसे जीते हैं? कौन पार्टी के? योगी जिताएंगे। अच्छा, और आगे चलते हैं। अच्छा, अभी जो चुनाव आ रहा है उसमें आप किसको वोट देना चाहेंगे? नहीं तो योगी जी कौन भी ऐसे काम बताओ जो ना आपको अच्छा लगा हो। ये चुनाव आ रहा है, किसकी सरकार बनानी चाहेंगे? योगी सरकार से संतुष्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अपना नाम बताइए। देखा, मुझे चुनाव आ रहा है उसमें आप किसकी सरकार बनाएंगे? योगी मोदी। अखिलेश नहीं, अखिलेश से घर ही है, जब आइए तो देखा जाएगा। अपना नाम बताओ। अभी जो चुनाव आ रहा है उसमें आप किसकी सरकार बनाएंगे? योगी। योगी की सरकार बनाएंगे आप? योगी का कौन सा काम आपको अच्छा लगा? ये लोग तो बोल रहे हैं भाई अखिलेश यादव आ रहे हैं, आप योगी सरकार बना रहे हैं, योगी क्या अच्छा लगा? योगी काम से संतुष्ट है। आगे चलते हैं, अपना नाम बताइए। नाम बताइए। चुनाव आ रहा है उसमें किसकी सरकार बनाएंगे? आगे चलते हैं, अपना नाम बताइए। चुनाव आ रहा है उसमें आप किसकी सरकार बनानी चाहेंगे? योगी बनाएंगे आप? अभी वर्तमान में योगी सरकार है, योगी सरकार ने किए हैं, तो उन्हीं को हम सोच रहे हैं कि हम लोग को और आगे बढ़ाए, हम लोग को और शिक्षा दे, हम लोग को शिक्षा दे, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग आदमी के ऊपर, हम लोग अपने हक पे जीना चाहते हैं। योगी सरकार में संतुष्ट है? हाँ, योगी सरकार से संतुष्ट है, पर यही है कि हम लोग को आगे बढ़ाए, मोदी सरकार हम लोग बनाना चाहते हैं, तो मोदी सरकार हम लोग को और कुछ दे और सब सुविधा बनाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है। कौन सा गाँव है? खानपुर। अपना नाम बताइए। कौन से बोलिए? अभी जो चुनाव आ रहा है उसमें आप किसको देना चाहेंगे? अभी जैसे यहाँ जो मतलब संगठन महिलाएं थी, हम आपको जानना चाह रहे हैं जिससे भी जो चुनाव हो रहा है उसमें आप किसको देना चाहेंगे? बोलेंगे मोदी जी हमके घर नहीं देते है, आवास एक सबको दिया, हमको नहीं दिया है। मोदी आवास नहीं मिला है नहीं। अच्छा, अभी हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी जो चुनाव आ रहा है उसमें आप किसकी सरकार बनाएंगे, योगी का या अखिलेश का? मोदी को जिताएंगे तो हम, हमारा जो नहीं है उसको मतलब योगी सरकार लाएंगे तो मतलब आपको आशा है कि हमको आवास मिलेगा। हाँ। अभी जो इसमें गांव के प्रधान उनसे प्रधान से बोले थे कुछ आवास? प्रधान से बोले थे, सबको दिया, हमें बोलते हैं नहीं आता, नहीं आएगा इसे, मतलब कि देने के लिए नहीं बोले, नहीं देने के लिए नहीं बोलते। प्रधान का नाम क्या है? अभी जो नए प्रधान हुए विजय बहादुर पटेल, उनसे आप बोले थे? बोले तो उनसे कहते अभी आया है नहीं है तो क्या देंगे। और भैया कमला,
अभी जैसे चुनाव आ रहा है उससे हम जानना चाह रहे हैं कि 2022 में जो चुनाव आ रहा है मार्च में किसको वोट देना चाहेंगे आप इस पार्टी को? अच्छा ये बताइए, हाँ आप बोल रहे हैं कि आपको कौन से प्रधान को पैसा दी थी आप? कितना पैसा दी थी आप? 1500 दी थी आप? 1500 भी नहीं था वो तो अभी प्रधान नहीं है, अभी तो विजय बाबू पटेल हैं। मतलब आपसे प्रधान पैसे मांग कर रहे हैं और पैसा देने के लिए आपको नहीं दिया। अभी जैसे ये बताइए इतना जो महिलाएं जुटी है यहाँ क्या था? यहाँ पे संगठन था। ठीक है, हम जानना चाह रहे हैं कि अभी जैसे चुनाव आ रहा है उसमें आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? चुनाव आ रहा है, हम सोच रहे हैं जो हमारे महिलाएं के लिए जो कर रहे हैं, जो ये समूह में हम लोग को लाए हैं उन्हीं को हम सोच रहे हैं अपना मतदान देने के लिए। अच्छा ये बताइए, अभी हम पूछना चाह रहे हैं कि जो चुनाव आ रहा है उसमें आप किसको जिताना चाहेंगे? बाहर है मोदी जी, रुपया दिए घरे रहा दिखना चाहते हैं कि वो महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बहुत अच्छा कर रहे हैं। जमा रुपया मतलब कहां से दे रही है, कर रहे हैं छापे रहा तो बोल ना करें अखिलेश यादव अच्छे, अखिलेश यादव आ रहे हैं हमको नहीं अच्छे भाई, योगी सरकार कुछ कर रही है। अपना नाम बताइए। तो आप जैसे जो चुनाव आ रहा है उसमें आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? तो मेरे योगी और मोदी के कोई ऐसा काम नहीं होगा कुछ लगा हो? अरे काम तो बहुत दे रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। जैसे और पार्टियां बोल रही हैं भाई अखिलेश यादव वाले हैं, अखिलेश यादव दे रहे हैं, देते देते तो मैं बोलती नहीं, दे रहे हैं तो नहीं बोल रहे। योगी कार्यकाल से संतुष्ट है? हां, जो काम दे रहे हैं देंगे तो और अच्छी बात है। अपना नाम बताइए। हमारा नाम तुरंत बन जाए जो ग्राम प्रधान है उनसे आप कुछ बोले थे भाई हमको राशन मिल रहा है? वोटेदार क्या बोले? तो जैसे कि हम अपने चैनल के माध्यम से हम कुछ बताना चाहेंगे भाई, जैसे अभी जो सरकार सबको अनाज फ्री दे रही है, आपको राशन कार्ड नहीं बना आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो मतलब जो संबंधित अधिकारी उनको क्या बोलना चाहेंगे? जिससे आपको राशन नहीं मिल रहा है आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि आपको राशन नहीं मिल, जो अधिकारी हैं उसकी जांच कराएं कि आपको मिलना चाहिए। तो आपकी फैमिली और कोई नहीं है? तो सबका अंगूठा नहीं लगता? उसमें प्रधान की गलती होगी ना, वोटेदार का नाम क्या है आपका पूरा बोलो बाबलू? तो आप जाते हैं तो आपको बोलते हैं कि आपको मतलब नहीं मिलेगा। अपना नाम फिर से बताइए।